सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना के मरीजों का अब सामान्य बुखार की तरह ही इलाज शुरू कर दिया गया है। केंद्र के गाइडलाइन के अनुरूप कोरोना के वो मरीज जिनमें किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे मरीजों को अस्पताल के भर्ती करने के बजाय घर पर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जयपुर में अब तक 19 कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। CMHO प्रथम नरोत्तम शर्मा की टीमें इन मरीजों पर न सिर्फ निगरानी रख रही है बल्कि उनको टेलीमेडिसिन के जरिए चिकित्सा सुविधाएं भी लगातार मुहैया करवाई जा रही है। CMHO प्रथम नरोत्तम शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। राजस्थान में अब तक 12,000 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ गए, लेकिन उसी अनुपात में पॉजिटिव से नेगेटिव होने का क्रम भी जारी है। लेकिन इस पूरी चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिली है जयपुर में, जहां एक तरफ जहां रामगंज बड़ा एपिक सेंटर सामने निकल कर सामने आया, वहीं दूसरी और जो इलाके हैं वहां पर भी केस सामने आ रहे हैं। और इस पूरी चुनौती को संभाले हुए पिछले 3 महीने से डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, रामगंज एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था, किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई और क्या लगता है आपको आज रामगंज की स्थिति को लेकर के? रामगंज से जब हमारा पहला केस निकल के आया, उसके बाद समस्या ये थी कि वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, लोग बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते थे, एक ही घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। हमने स्ट्रेटजी बना के हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग लेके हमारी टीम लगाई, जिसने 3 स्तर पे काम किया। पहला सर्वे स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद हमारे यहाँ पर उसके पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा सबकी जाँच कराई गई, उसके बाद सैंपल के लिए हमने सैंपल टीम लगाई। कुछ दिन बाद हमने वहाँ पर विशेष मोबाइल OPD वैन भी लगाई, जिससे लोगों को वहाँ पर दवाइयाँ मिलती रहें। इस स्ट्रेटजी का कारण इससे फ़ायदा ये रहा कि धीरे धीरे वहाँ पर जो वो पेशेंट की जो पॉजिटिविटी थी वो कम होती गई। जयपुर के अंदर बहुत ही हम स्ट्रेटजिक रूप से प्लानिंग से कम सैम्पलिंग करा रहे हैं। जहाँ पेशेंट पॉजिटिव मिलते हैं उसके आसपास एरिया को हम कवर करते हैं। जहाँ भी हमको लगता है कि ये हॉटस्पॉट रहा है इसके, उस इलाके में लगातार सैंपलिंग की जाती है। रामगंज के अंदर लगातार प्रतिदिन सैंपलिंग कराई जाती है, नए क्षेत्र ढूंढे जाते हैं जहाँ से की संभावना हो सकती है। उस स्ट्रेटजी प्लान के साथ लगभग 1,000 से 1,200 सैंपल पर डे हम ले लेते हैं, उसके आधार पर हमारी स्ट्रेटजी चलती है। और यही कारण है कि जयपुर के अंदर जो पेशेंट्स की इसके बाद भी पेशेंटों की संख्या बढ़ोतरी नहीं हुई है, लगातार कमी आ रही। बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे एपिक्स हैं, जो हमारे जो सेंटर है SMS मेडिकल कॉलेज है, RUHS है अपना, और जो हमारे NIMS हैं, JNU हैं, हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल्स हैं, सभी के अंदर हम लोग केयर के लिए हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि वायरल डिजीज होने के कारण जो क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त या जिनकी एज ज़्यादा होती है या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो लोग इस वायरस के पेट में आने के बाद कई बार अपने इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पर नॉन डेथ किसी की नहीं होने दें, इसके बावजूद कुछ क्रोनिक डिजीज या ओल्ड एज हैं उनकी डेथ हो जाती है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, कितने तैयार हैं आप फील्ड में चुनौती से लड़ने के लिए? हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारा प्रशासन, पुलिस, मेडिकल टीम लगातार तीनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। ऊपर जो सरकार निर्देश प्राप्त होते हैं, मंत्री महोदय के, CM महोदय के जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उनके निर्देशों अनुसार हम काम कर रहे हैं और हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। दिन रात हमारी टीम काम कर रही है, हम निश्चित रूप से इस वायरल डिजीज को यहाँ से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नरोत्तम शर्मा, CMHO, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पूरी प्लानिंग है, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाते हैं रोज सैंपलिंग करने के लिए। और साथ में उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग अगर जागरूकता रखेंगे, साथ में जो टीमें जिस तरह से मनोबल के साथ काम कर रही है, उससे जल्द ही कोरोना पर जीत हासिल की जाएगी। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।